तो एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है, एक गर्ल होती है, सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल, ओके, बाय नेचर एक गर्ल होती है, वो आफ्टर स्कूल कॉलेज में जाती है बाहर पढ़ने, अपने घर से कुछ काफ़ी दूर पढ़ने के लिए जाती है स्टडी, एज ए हॉस्टल, यू नो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे जाती है। तो वहाँ पे उसे एक लड़के से उसका लव हो जाता है और अफेयर हो जाता है, काफ़ी टाइम तक अफेयर चलता है, गॉट इट, अफेयर होता है, तो इतना पक्का अफेयर होता है कि वो मैरिज कर लेते हैं भाग के, जो भी करते हैं वो मतलब अपने घर वालों के खिलाफ चल के मैरिज कर लेते हैं, गॉट इट। तो कुछ समय बाद क्या होता है, उस लड़के के पेरेंट्स उस लड़के को अपने घर से निकाल देते हैं, यानी कि उन्हें बोल देते हैं कि तू हमारे लिए मर गया, गॉट इट। तो लड़का लड़की अच्छा सर्वाइव करते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली लड़के की डेथ हो जाती है, अब लड़की अकेली रह जाती है बेचारी। तो ऐसे में वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट्स के पास आती है, उसके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि उससे बोलते हैं कि अब तू हमारे लिए मर गई, गॉट इट। तो लड़की के दिमाग में आता है कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो क्या मैं इनसे अपनी प्रॉपर्टी ले सकती हूँ या फिर जो मेरे हिस्से का है। तो लड़की ने कुछ पढ़ा होगा कि लड़कियों को भी है बेटो जितना संपत्ति में अधिकार, तो लड़की जाती है, काफ़ी हिम्मत करती है और एडवाइस लेती है। सो क्या एडवाइस लेती है, लेट्स स्टार्ट इट, इंट्रो। जस्ट अ यंग गर्ल विद अ क्विक फ्यूज, आई वाज अपटाइट, वांट टू लेट लूज, आई वाज ड्रीमिंग अ बिगर थिंग्स एंड वांट टू लीव माय ओल्ड लाइफ बिहाइंड। सो के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लड़की को थोड़ी बहुत जानकारी होती है कि लड़कियों को भी है अपने माँ बाप की संपत्ति में बेटों जितना अधिकार, उसने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, स्टूडेंट तो थी तो उसने कुछ पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। तो वो चाहती है कि अब मैं अपने पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी है वो ले सकती हूँ या नहीं, तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, तो जनरल रूल ये है कि 2005 के बाद क्या हुआ है, 9 सितंबर 2005 के बाद बेटियों को भी पूरा अधिकार है बेटों जितना, गॉट इट, यानी कि फादर के मरने के बाद बेटी को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितने कि बेटों को मिलता है, ये जीते हुए भी है, ऐसी बात नहीं मरने के बाद, जीते हुए भी, मतलब सारा राइट बेटों जितना हो गया है, गॉट इट। डेट ध्यान रखना 9 सितंबर 2005 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, गॉट इट। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बेटी अपना हिस्सा ले सकती है या नहीं, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जो वो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्वायर्ड है या पुश्तैनी है, या सेल्फ एक्वायर्ड है या पुश्तैनी है। सेल्फ एक्वायर्ड वो होती है कि जो आपके डैडी ने या आपके फादर साहब ने जॉब करके मेहनत से मजदूरी से अपने पैसों से वो संपत्ति इकट्ठी की है, अगर ऐसी संपत्ति है तो आप उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, आपके फादर आपको बेदखल कर सकते हैं, यानी कि कर ही दिया है इस ऐसे केस में तो बेदखल कर सकते हैं, गॉट इट। रही बात पुश्तैनी की, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, अगर जो आपकी आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है उनके पास पुश्तैनी है, पुश्तैनी होती है कि दादा ने दी हो या फिर उनके फादर ने उन्हें दी हो, तो आप उस चीज़ में से अपना हक ले सकते हो, अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड है तो आप उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, गॉट इट। तो आप पता करिए कि वो सेल्फ है या फिर पुश्तैनी है, अगर पुश्तैनी है तो आप कोर्ट में जाइए, एप्लीकेशन फाइल कीजिए, सिविल सूट फाइल कीजिए और अपना हक लीजिए। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो ये वीडियो उन बेटियों के लिए भी है जो ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप ज़मीन ले सकते हो, गॉट इट। एंड इस वीडियो से हमें दो चीज़ सीखने को मिली, एक तो राइट्स ऑफ डॉटर्स इन फादर्स प्रॉपर्टी, यानी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में बेटी के कितने अधिकार होते हैं, गॉट इट। एंड द सेकंड थिंग इज़ अत्यधिक प्यार भी खतरनाक होता है, हद से ज़्यादा प्यार खतरनाक होता है, खतरनाक था। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, बाय।